कैसे हैं बच्चों? ये शुरू करते हैं आज के ये टर्म्स। आज का हमारा टर्म्स है इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस। ये हमारे पांच टर्म है। जब ये डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे लिए। आप चाहे साइंस के विद्यार्थी हो या कॉमर्स के विद्यार्थी हो या बिजनेसमैन हो, ध्यान से इस चीज को आप देखो। अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको बड़ी बात समझ में आएगी। आधी अधूरा देखोगे, आधी अधूरी बात समझोगे, इसका रिफ्लेक्शन आधे आधे आएगा कहीं भी। पूरा वीडियो देखिए, समझ बात आएगी। आधे देखेंगे, कम देखेंगे, बात पूरी समझ में नहीं आएगी। हमने बता दिया इस चीज को। आज शुरू करते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में। पिछले वीडियो हमने बताया था डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस कच्चे माल हो या पक्के माल को खरीदने से लेकर के उसको फैक्ट्री तक लाने में या गोदाम तक लाने में जितने एक्सपेंस हम लोग करते हैं, हर स्टेज पर जहां जहां करते होंगे एक्सपेंस, लोडिंग लोडिंग पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑक्ट्राय, ये सारे के सारे एक्सपेंस हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बात के ध्यान रखनी है कि हमारे अकाउंट्स के ब्रांचेज होते हैं, उन ब्रांचेज में, अकाउंट्स के ब्रांचेज में हमारे एक फाइनेंशियल अकाउंट भी ब्रांच है। हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सोचना है इस चीज को। हम लोग कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक अकाउंट्स का ब्रांच है, उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ समझ रहे हैं या बात को समझा रहे हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समझा रहे हैं। तो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कच्चे माल को या पक्के माल को खरीदने से लेकर फैक्ट्री के गेट तक पहुंचाने में सारे खर्चे हैं, और फैक्ट्री के जितने एक्सपेंस आएंगे डिफरेंट नाम से वो भी सब डायरेक्ट कहलाते हैं। एक बात खत्म हो गई। अब बात आती है इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल सीधा है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप सारे एक्सपेंस को ध्यान से देखिए, उसमें से डायरेक्ट जो है उसको अलग कर लीजिए, अपने आप बच जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर भी कहने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंस जो हम लोग ऑफिस चलाते हैं, ऑफिस ऑपरेट करते हैं, पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, तो उसके भी अपने खर्चे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस के जितने एक्सपेंस होंगे, रेंट से लेकर इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो सैलरी है, जो भी है ऑफिस का अगर एक्सपेंस है, ऐसा उस एक्सपेंस को देखने से सुनने से लगता है कि यह हमारे ऑफिस का एक्सपेंस है या मैनेजमेंट का एक्सपेंस है, तो सारा का सारा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। ये ऑफिस चलाने या बिजनेस को ऑपरेट करने डे टू डे वाले एक्सपेंस है। लेकिन ध्यान रखना, ये माल खरीदने और लाने में खर्चा नहीं है। जैसे ही माल खरीदने और लाने में खर्चा हो जाएगा, वो बन जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ये जो ऑफिस संचालन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम हो रहा है, तो जितने प्रकार के आप ऑफिस में एक्सपेंस करते हो, ये टोटल क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से जाना जाएगा। और व्यापार के जितने सेलिंग एक्सपेंस है, हमारा काम ये भी है, माल जब बन जाता है, तैयार होता है, या खरीद कर जब आ जाता है, गोदाम में रख दिया, तो अगला स्टेप शुरू होता है उसको बेचना या बेचवाना। तो माल को हमारा बेचने में भी एक्सपेंस होता है, बेचवाने में भी एक्सपेंस होता है। तो जितने एक्सपेंस है माल को बेचने में या बेचवाने में, उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। या माल बेचने के बाद कस्टमर सब जो पहुंचाने का भी खर्चा आता है, आजकल फैशन चला है डिलीवरी, हम लोग होम डिलीवरी देते हैं, तो होम डिलीवरी में जितने हमारे अपने एक्सपेंस आएंगे, ड्राइवर, कंडक्टर, गाड़ी, उसका डेप्रिसिएशन, या जो भी एक्सपेंस आते हैं डिलीवरी देने, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो माल को बेचने में खर्चा, बेचवाने में खर्चा, और डिलीवरी देने में खर्चा, इसको कह सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये भी टोटल एक्सपेंस क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बिजनेस में बैंक से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कारोबार करते हैं, बैंक से बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक वाला भी कोई ना कोई चार्ज काटते रहता है। तो बैंक वाला जो बैंक चार्ज काटेगा, वो भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। वो कौन सा एक्सपेंस है? ध्यान रखना, वो माल पर एक्सपेंस नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। हम उस समझने के लिए हमने लिख दिया है बैंकिंग एक्सपेंस।
तो जितने हमारे बैंक से जुड़े हुए एक्सपेंस होते हैं वो सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस में आते हैं। जैसे बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, फोलियो चार्जेस है, इन ऑपरेटिंग चार्जेस है, किसी प्रकार का चार्ज अगर बैंक काट लेता है हमारे अकाउंट से तो वो हमारे लिए एक्सपेंस तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा। और हमने ऐड कर दिया एबनॉर्मल एक्सपेंस। एबनॉर्मल एक्सपेंस का ऐसा मतलब कि हमारी लापरवाही के कारण हमने जवाबदेही छोड़ दिया, ऐसे ही कर दिया, जिसके चलते हमारे व्यापार का कुछ नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अब जैसे चूहा नुकसान कर दिया, आग लगे उसे जल के नष्ट हो गया, इस प्रकार हम कहते हैं कि ये जो आग से लग जाने, चोरी हो जाने, चूहा काटने, इस प्रकार जो लॉस हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस के कैटेगरी में रखा जाता है। और आगे हम बता दें कि ये जो हमारा है इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस, इसका यूज हम करते हैं नेट प्रॉफिट व्यापार का निकालने में प्रयोग करते हैं। रेवेन्यू इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करोगे, व्यापार का नेट प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, सीधी भाषा में बोलते हैं ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बैंकिंग एक्सपेंस एंड एबनॉर्मल लॉसेस। इन सबको मिलाकर हम नाम दे सकते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंस। और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हमें जब व्यापार का नेट प्रॉफिट निकालना होता है उस समय इसका प्रयोग करते हैं। जब इसका प्रयोग नहीं करोगे तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, पहले निकलेगा उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। एंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट वी कैन गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। ये है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे ही हम लोग कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वे आइटम जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जितने बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, यानी एक तरफ हमारे एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटीज होती है, तो दोनों साइड में जो भी आइटम्स जाते हैं उन सबको हम लोग कैपिटल आइटम्स कहते हैं। अब यहाँ पर रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे रिसिप्ट जिसको आप बैलेंस शीट में जगह देते हो, यानी लायबिलिटी साइड में लिखते हो, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे बैंक से लोन लिया, रिसिप्ट तो हो गया, उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ए लायबिलिटी, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल जो खुद आप लेते हो व्यापार से, व्यापार में आता है, वो तो ऑलरेडी है ही, वो भी बैलेंस शीट का आइटम है। तो कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट, चाहे कोई भी हो, कोई फंड क्रिएट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले वाला था कैपिटल रिसिप्ट, ये बैलेंस शीट के आइटम है, रिसिप्ट तो है, लौटाना पड़ सकता है किसी को, या तो प्रॉपर्टी को लौटाए, जो व्यापार का स्वामी है उसको भी लौटा सकते हैं, या बाहर वालों से लिए हैं तो उसको भी लौटाएंगे फ्यूचर में, तो लायबिलिटी। एक और है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है रिसिप्ट तो है, लेकिन ये बार बार रिपीटेटिव नेचर के रिसिप्ट है, और ये हमें किसी को वापस नहीं करना है। ये जो रिसिप्ट हम करेंगे ये बार बार इसका नेचर है रिसिप्ट होने का, और ये एक बार लेते हैं जल्दी किसी को वापस नहीं करते। जैसे कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, सेल्स जो बेचते हैं, सेल करते हैं तो बार बार रिसिप्ट होता है, वो बार बार सेल, डेली सेल करते हैं, और ये किसी को वापस हमें नहीं करना है। तो किसी व्यापार में इस प्रकार के जो रिसिप्ट है, जो बार बार रिपीटेटिव नेचर के रिसिप्ट हैं, और ये हमें किसी को वापस करना नहीं होता है, यानी हमारे व्यापार के जो मेन फंक्शन है, जो मेन ऑपरेशन है व्यापार का, मेन कोर्स है, उसके अगेंस्ट में ये रिसिप्ट आते रहते हैं, और ये किसी को वापस, असल में व्यापार हमने शुरू किया था इसी रिसिप्ट के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये ऊपर वाला कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट, ये किसी दूसरे को वापस किया जा सकता है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट आइटम है, ये होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो है, लेकिन कैपिटल वर्ड आ गया है। जैसे ही कैपिटल वर्ड आएगा किसी वर्ड में, समझना है कि ये बैलेंस शीट का आइटम है।
बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, दोनों साइड के ये नाम है। तो दोनों साइड में आइटम्स आते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड में किसी आइटम को लिखते हो वो भी एक कैपिटल आइटम है, अगर एसेट साइड में लिखते हो किसी आइटम को वो भी हमारा क्या है, कैपिटल आइटम है। तो ये जो कैपिटल आइटम है उस पर प्रॉफिट कैसे होगा? अगर हमारा दायित्व है, अगर हमारा लायबिलिटी है, लोन है, तो क्या हम लोन थोड़े किसी को बेचेंगे कि लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा? यानी ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट के कुछ ऐसे आइटम है जिनको हम बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, तो लाभ प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन बैलेंस शीट का एक हिस्सा ऐसा है जो हमारे एसेट्स होते हैं, तो हम एसेट्स को बेच सकते हैं। अगर एसेट को हम बेचेंगे, जो हमारा एसेट है, हमारी संपत्ति, हमारा प्रॉपर्टी है, तो उस एसेट को बेचने से हमें प्रॉफिट हो सकता है। दो बातें हुई, जो एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट्स हैं क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम है, और जो एसेट्स हैं उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर एसेट को बेचने पर प्रॉफिट होता है उसी का नाम है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को सेल करते हैं, अगर प्रॉफिट उस पर हो गया, जिसका नाम रखेंगे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से फर्नीचर है, फर्नीचर एक एसेट है। अगर 20,000 का फर्नीचर है और हमने उसको 25 में किसी कारणवश बेच दिया, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। हमने फर्नीचर लिया था, अपने लिए रखा था ऑफिस में चलाने के लिए, किसी वजह से बेच दिया, 20 के फर्नीचर को हमने 25,000 में बेच दिया, तो 5,000 यहाँ पर लाभ हो गया। इस लाभ का नाम होगा कैपिटल प्रॉफिट। हमने कोई मशीन लगाया था अपने व्यापार में, 1,10,000 का मशीन लगाया था, किसी वजह से मशीन को हटा रहे हैं, शायद दूसरी मशीन लेंगे, तो अगर 1,10,000 के मशीन लिया था हमने, उसको 1,20,000 में हटा दिया, बेच दिया, तो इस मशीन पर हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000। ये जो 10,000 प्रॉफिट हुआ है वो कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल प्रॉफिट? क्योंकि मशीन एक एसेट है और जो एसेट है वो बैलेंस शीट का आइटम है, और उस बैलेंस शीट के आइटम को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ, जिसका नाम हम लोग रखेंगे कैपिटल प्रॉफिट। रियल में ये जो हम जो बिजनेस चलाते हैं वो संपत्तियों बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए नहीं है। हमारा बिजनेस कुछ और करना होगा, माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, उस पर प्रॉफिट कमाना है। तो जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, जो हमारे मुख्य फंक्शन है बिजनेस का, उस पर जो प्रॉफिट निकलता है वो है रेवेन्यू प्रॉफिट। वो रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा है, वो तो निकलेगा, उसी काम के लिए हम बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन बीच बीच में किसी कैपिटल आइटम को बेचने की नौबत आ जाती है तो उस पर प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमारे कैपिटल आइटम के सेल करने में प्रॉफिट होगा, उसका सीधा नाम हम लोग समझेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अगर हमने बिल्डिंग परचेस किया है, व्यापार हमारा कपड़े का व्यापार है, लेकिन हमारे बिजनेस के नाम से बिल्डिंग है, यानी जो बिल्डिंग का जो ऑनरशिप है हमारे बिजनेस के पास है, इसलिए वो बिल्डिंग एक एसेट है और वो बैलेंस शीट में दिखलाई जाएगी बिल्डिंग को। अगर किसी वजह से हम बिल्डिंग को बेच देते हैं, उस पर प्रॉफिट हो जाता है, उसका नाम रखेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अब माल जो खरीदे हैं, माल को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट ना होकर ऑर्डिनरी प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो दोनों प्रॉफिट में फर्क है। इन दोनों प्रॉफिट को हम लास्ट में जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस नेट प्रॉफिट में इसका हिसाब दोनों का हो जाता है। तो एक तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, प्लस कैपिटल प्रॉफिट आया, सब मिला करके नेट प्रॉफिट व्यापार का निकाला जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे, और आज यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।